लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा अवैध कार्यों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत जिले के जोरा थाना अंतर्गत शीतलपुर गांव में अवैध हथियार बनाए जाने की सूचना पर बीती रात पुलिस ने ओम प्रकाश उर्फ ओमी जाटव निवासी घुर्रा को गिरफ्तार किया। पुलिस घर के आंगन में चल रहे हथियारों के कारोबार को देखकर दंग रह गई। यहां से 12 बोर की दो 315 बोर के 8 कट्टे एवं 4 जिंदा राउंड व 4 खाली खोखे पुलिस को बरामद किए। अवैध हथियार बनाने का पूरा सामान भी बड़ी मात्रा में पुलिस को मिला। वहीं कई छोटी मशीनें भी यहां बरामद की गईं। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है, जिससे उसे यह पता लगाया जा सके कि हथियार उसने कहां कहां बेचे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है इसमें, और इसमें जो निरीक्षक सिक्किंग है, उप निरीक्षक राजकुमार सिंह जाधव, विकास शर्मा, रवि राजपूत, मुकेश शर्मा, भानु यादव, संदीप रावत, एसएफ के, इनको इनकी जो ये हाँ ये हमारे जोरा थाने की काबू द्वारा सूचना मिली थी कि भूमि जाटव है वो अवैध रूप से हथियार बनाने की फैक्ट्री चला रहा है। तो एसडीओपी सुकीत बदारिया और जो डीआईए शिव सिंह यादव, उनके निर्देशन में घेराबंदी की गई वहाँ पे। तो पुलिस की वहाँ पे पहुंची तो जो ये आरोपी था ओम प्रकाश, इसके पास से दो 315 बोर के दो 12 बोरे कट्टे, 8 315 बोरे कट्टे, 4 जिंदा राउंड और 4 खाली ये बरामद हुए। इसके अलावा यहाँ पे जो अवैध तरीके से हथियार बनाने की सामग्री भी उसी स्थल से जब्त की गई है। इसमें जो इसने बताया आरोपी ने कि इसके ये सब काम उसने अपने भाई से सीखा था, तो उसी के तहत उसके इसकी देहांत हो गई थी और ये कार्रवाई हो गई। पास से दो 315 बोर के दो 12 बोरे कट्टे, 8 315 बोरे कट्टे, 4 जिंदा राउंड और 4 खाली खोखे ये बरामद हुए। इसके अलावा यहाँ पे जो अवैध तरीके से हथियार बनाने की सामग्री भी उसी स्थल से जब्त की गई है। इसमें जो इसने बताया आरोपी ने कि इसके ये सब काम उसने अपने भाई से सीखा था, तो इसी के तहत ही उसकी जिसकी देहांत हो गई थी और ये कार्रवाई हुई। नहीं, जैसे इससे पूछताछ में बताया कि अभी इसने जो है करीब करीब एक महीने पहले से ही शुरू किया था। इससे पहले जो इसका भाई था वो इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था, तो इसने रात में अभी जो पूछताछ हुई है तो उसने एक दो लोगों के नाम लिए। हम जल्द से जल्द जितने भी आरोपी हों जिसको उसने ये अवैध हथियार दिए होंगे उनके पास पहुँचे। हाँ नहीं, ये काफ़ी काफ़ी एक अच्छी कार्रवाई है और इससे हम आगे भी इस जिले में ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी, और जितने भी लोग जो अवैध तरह के हथियार इनका बनाना या इनका परिवहन करना, इनका इस्तेमाल करना, उस पर हमारी कार्रवाई